वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? ये दोस्तों आज हम वर्ब की दूसरी वीडियो आज बना रही हूँ मैं। इसमें आपको मैं टाइप्स ऑफ वर्ब बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था, वर्ब्स होते क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स की कितनी किस्में हैं, कितनी टाइप्स हैं, ठीक है जी दोस्तों। बेसिकली वर्ब की तीन टाइप्स हैं, ठीक है। कितनी टाइप्स हैं? तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। सेकंड कौन सी है? इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। नंबर थ्री है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी दोस्तों। ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है जी दोस्तों। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है दोस्तों? वर्ब कहते हैं किसी काम के करने, होने या सहने को, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसके साथ ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। मैंने आपको बताया हुआ है सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अली इज ईटिंग एन एप्पल, अली एक एप्पल खा रहा है। यहां पे अली क्या है? सब्जेक्ट। एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट। उसका खाना क्या है? ये हो गया वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। यहां पे ये है ट्रांजिटिव वर्ब, हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है एप्पल, ठीक है, एन एप्पल, ठीक है। एन एक आर्टिकल है, एप्पल हमारा नाउन है। इसका मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है? यहां पे अली उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। इट मींस अली एक एप्पल खा रहा है, तो यहां पे एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सना वॉज वॉचिंग अ फिल्म, सना एक फिल्म देख रही थी, ठीक है। सना क्या है? सब्जेक्ट। फिल्म क्या है? ऑब्जेक्ट। वॉचिंग उसका क्या है? वर्ब। अब यहां पे कौन सा वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे? क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब का उल्ट कर लें, यानी इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सना इज स्माइलिंग, सना मुस्कुरा रही है, सना इज स्माइलिंग, ठीक है। अली वॉज वॉकिंग, अली चल रहा था, ठीक है। अब यहां पे देखिए, सना इज स्माइलिंग, सना मुस्कुरा रही है। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ
ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है. ठीक है, अली वॉज वॉकिंग, अली चल रहा था. ठीक है, यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं आया और ये कौन सा वर्ब बन जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है. ठीक है जी दोस्तों, अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्स्ट डिफरेंस ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता. इट मीन्स ये ऐसे काम हैं जो ऑब्जेक्ट के बगैर भी हो सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें, अली खा रहा है. अब आपको पता है अली खा रहा है तो क्या खा रहा है? कुछ ना कुछ तो खा रहा होगा, कोई चीज का नाम होगा. ठीक है, वो खाना खा रहा है, वो फल खा रहा है, वो क्या खा रहा है? ठीक है, यहां पे खाने के साथ उसका जिसपे वो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट मस्ट होगा. अली खा रहा है, किस पे क्या खा रहा है? कुछ ना कुछ तो आगे चीज होगी ना उसकी. तो ये भी क्या है, वो एप्पल खा रहा है. इट मीन्स यहां इसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है. ठीक है, अब यहां पे सना इज स्माइलिंग. यहां पे सना जो है वो बगैर किसी ऑब्जेक्ट के भी काम कर रही है. ठीक है, इसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है. ठीक है, यहां पे सना स्माइल कर रही है और सना को स्माइल करने के लिए किसी भी चीज का जरूरत नहीं है. ठीक है, किसी के ऊपर वो काम नहीं कर रही है, किस यानी ऑब्जेक्ट इसको यहां पे कोई नहीं आएगा. ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है. अब अली वॉज वॉकिंग, अली चल रहा था. ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है ये पूरी सेंस दे रहा है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट के बगैर ये पूरी हमें समझ दे रहा है. ठीक है, इसलिए ये है इंट्रांजिटिव वर्ब. जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, इट मीन्स इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है. समझ आई आपको सबको? ठीक है जी दोस्तों, अब है हेल्पिंग वर्ब. जैसा कि नाम से जाहिर है वर्ब की हेल्प कर रहा है. ठीक है, कैसे? मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुकी थी, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो खुद वर्ब नहीं होते. ठीक है, ये खुद वर्ब नहीं होते बल्कि ये टाइम और जगह के लिहाज से, ठीक है, टाइम और मकाम के लिहाज से जो मेन वर्ब होता है उसके काम को, उसके अमल को मुकम्मल करने में मदद देता है. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखें, आई एम गोइंग टू कराची. ठीक है, आई एम गोइंग टू कराची, मैं कराची जा रहा हूं. ठीक है, इधर देखिए, मैं जा रहा हूं. कहां जा रहा हूं? मैं कराची जा रहा हूं. ये देखें, ये जगह के लिहाज से, मकाम के लिहाज से भी और टाइम के लिहाज से भी. टाइम क्या मतलब? कि ये अभी प्रेजेंट में जा रहा है. ठीक है, और अभी उसका काम कंटिन्यू है. ठीक है, आई एम गोइंग टू कराची, मैं कराची जा रहा हूं. तो यहां पे एम जो है ये है हेल्पिंग वर्ब. ये क्या कर रहा है? ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है उसके काम को पूरा करने में. ठीक है, उसके काम को मुकम्मल करने में मदद कर रहा है कि वो काम जो है पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, और वो काम अभी कंटिन्यूस है. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शल, कैन, कुड, मे, माइट, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शल बी, विल बी. ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं? ये वर्ब के काम को मुकम्मल करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर आपको कहूँ ट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं, तो आपको इनका पता होना चाहिए. ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता. ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, कैन, कुड, मे, माइट, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल बी, शैल बी, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.